गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट जो चैप्टर का टॉपिक है हमारा, दैट इज ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। जो IRDA एक्ट था वो इनैक्ट हुआ था 1999 में, 2000 में, तो उस टाइम पे सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी इंडिया में और वो थी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 2013 में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 24 इंश्योरेंस कंपनीज थी, जिसमें से जो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो LIC थी वो पब्लिक सेक्टर में है, और जो 23 इंश्योरेंस कंपनीज थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी। तो जो कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट इंश्योरर्स का वो सिर्फ 2% था इन 2001-2002, जो इंक्रीज होके 41.92% हो गया इन 2012-2013। तो जो ग्रोथ है इंश्योरेंस बिजनेस का वो हम अभी जो पढ़ेंगे हम डिफरेंट हेड्स के अंडर यहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है दैट इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और डेंसिटी का मतलब है, मतलब क्या है उससे पहले ये चीज़ बताती क्या है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और डेंसिटी ये रिफ्लेक्ट करती है कि कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया के। ये जितनी ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा इंश्योरेंस सेक्टर में। तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो मेजर करता है परसेंटेज कितनी है इंश्योरेंस प्रीमियम की GDP पे, GDP के कंपैरिजन में। तो इंश्योरेंस डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन या फिर पर कैपिटा प्रीमियम। तो जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस सेक्टर में वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है 2.15% से 2001 में, 4.60% हुआ है 2009 में। उसके बाद पेनिट्रेशन ने डिक्लाइन किया, डिक्रीज हुआ 3.17% से 2012 में। इसका मतलब कि जो ग्रोथ है इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस सेक्टर में, और जो ग्रोथ है जेडीपी में, जेडीपी की ग्रोथ के कंपैरिजन में जो इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ है वो कम है। जो इंश्योरेंस डेंसिटी है वो बताती है सिमिलर ट्रेंड, वो भी इंक्रीज हुई $9.10 से इन 2001 टू $55.70 इन 2010, और उसके बाद उसने भी डिक्लाइन किया $42.70 पर इन 2012-13। यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है इसका, लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी इन इंडिया। देन नेक्स्ट है प्रीमियम। जो इंडस्ट्री है वो शो करती है इंक्रीज इन द प्रीमियम। प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हुआ है 500,946 करोड़ रुपीस से, जो 2001-2 में था 287,202 करोड़ रुपीस तक इन 2012-13। जो फर्स्ट ईयर का आपका प्रीमियम है LIC का वो इंक्रीज हुआ 1,0492.72 करोड़ से इन 2001-2 में, 276,611.50 करोड़ से इन 2012-13। जो आपका रिन्यूअल प्रीमियम है LIC का वो भी इंक्रीज हुआ फ्रॉम 30,233 करोड़ रुपीज इन 2001-2 टू 132,192.08 करोड़ से इन 2012-13। ये इतना सारा जो डाटा इसमें दिया गया है, जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप सिर्फ जो है स्टार्टिंग का और कोई भी एक लास्ट का ईयर लेके सिर्फ उनकी एक एक फिगर आपको याद करनी है। जैसे अगर हम यहाँ प्रीमियम की बात करते हैं तो इसका आप टेबल एक बना सकते हैं कि 2001-2 में कितना था और 2012-13 में कितना था। और सेम तरीके से जो दूसरे हमारे हेड्स हैं उसका भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो न्यू पॉलिसीज के मैटर में अगर हम देखें तो ड्यूरिंग 2012-13 जो लाइफ इंश्योरेंस इशूड थी पॉलिसीज वो थी 441.87 लाख न्यू पॉलिसीज। और उसी चीज़ को अगर हम इसको डिवाइड अगर हम करें कि LIC ने कितनी इशू की और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस ने कितनी इशू की, तो 441.87 लाख में से 367.82 लाख पॉलिसीज को LIC ने इशू किया और जो बाकी बचा आपका 74.05 ये इशू किया प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस ने।
देन नेक्स्ट आपका पेड अप कैपिटल की फॉर्म में देखे तो जो कंपनीज हैं उनकी पेड अप कैपिटल इंक्रीज हुई फ्रॉम 3243.71 करोड़ रुपीज से 2003-04 में जो थी उससे 2551.72 करोड़ रुपीज इन 2012-13 टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस। एक्सपेंशन ऑफ ऑफिसेस के टर्म्स में देखें तो जो नंबर ऑफ ऑफिसेस हैं प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के वो इंक्रीज हुए फ्रॉम 3072 इन 2007 टू 8785 इन 2009। देन लेटेस्ट पोजीशन के लिए आपका टेबल दिया गया है इंश्योरेंस बिजनेस का इंडिया में जो लेटेस्ट पोजीशन है, प्रीमियम अंडर रिटर्न कितना है, न्यू पॉलिसीज इशूड कितनी है, नंबर ऑफ ऑफिसेस कितने हैं, बेनिफिट्स पेड कितने हैं, इंडिविजुअल डेथ क्लेम्स कितने हैं, ग्रुप डेथ क्लेम्स कितने हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। तो अगर आप सिर्फ ये एक टेबल लर्न कर लेते हैं तो जितना भी हमने ऊपर हेड्स पढ़े वो सारा कुछ इसके अंदर कंपाइल हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर लाइफ इंश्योरेंस का, और यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी किसे कहते हैं, फीचर्स क्या हैं, नॉमिनेशन किसे कहते हैं, प्रीमियम किसे कहते हैं। और अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात करें तो आप से जो पार्टीज हैं लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि उनके राइट्स और ड्यूटीज बताइए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर दी पार्टीज टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन राइट शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपके पास, असाइनमेंट क्या होता है, नॉमिनेशन क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, रिवाइवल ऑफ पॉलिसी क्या होता है, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं आपके पास। ये था आपका चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर नंबर 3 फायर इंश्योरेंस, इसे शुरू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।